केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में उपद्रवियों ने 140 हथियार किए सरेंडर। इसके बाद राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। दरअसल मणिपुर की बढ़ती हिंसा के कारण गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। हम 2 जून से सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, अगर किसी के पास हथियार पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह की इस अपील का सीधा असर लोगों में देखने को मिला। अपील के 24 घंटे बाद ही बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने हथियार सहित सरेंडर कर दिया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 1 जून तक 4 दिवसीय मणिपुर की यात्रा पर थे, जिसमें उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डे का भी मौजूद रहे। शाह ने इस 4 दिवसीय दौरे में कई फैसले लिए, जिसमें राज्य के DCP को हटाना सबसे बड़ा फैसला था।